हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर पिस्टन। सो भाई, अभी अभी टाटा ने अपना एक नया ईवी का कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया है, और या फिर कहें कि अनवील किया है। और अभी रिसेंटली हमें किया कि जो मतलब कि लेटेस्ट जनरेशन वाली ईवी है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी है, जिसका नाम हमें ईवी 6 देखने को मिल रहा है, जो कि ग्लोबल मार्केट में तो 2021 में ही पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है, लॉन्च भी हो चुकी है, बट इंडिया में उसका कोई अभी अता पता नहीं है। सो वो कार है वो इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखने को मिली है, जिसके स्पाई शॉट है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो बात कर देते हैं, ये जो ईवी 6 बेसिकली जो कार बनाई गई है किया की तरफ से, वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल कार है। और बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में ये टेस्ट के दौरान देखी गई है, तो आप जो स्क्रीनशॉट है वो देख सकते हो। तो भाई, इस कार के ओवरऑल लुक्स की बात करें तो लुक्स आप देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही स्पॉर्टीनेस हमें इसमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट में से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हमें लुक देखने को मिल रहा है, और इसकी डिटेल है वो आप देख सकते हो, इसके हेडलैम्प, इसके DRLs एंड जो इसके ब्लिंकर्स है वो चालू है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी नीचे जो फॉग लैंप दिए गए हैं, किया का बैजिंग है, और जो फ्रंट में से ऑल ओवर जो लुक हमें देखने को मिल रहा है एक ईवी के रूप से, वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है। उसी के साथ साथ एक एसयूवी है, लेकिन इसका जो ऑल ओवर लुक हमें देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। पीछे इसकी जो टेल लाइट खींची गई है, दोनों व्हील्स की जो आर्चीज आती है वहाँ तक खींची गई है, जो कि काफ़ी अच्छी, नो डाउट अच्छी लग रही है। और पीछे कुछ स्पॉइलर जैसा लुक भी दिया गया है, एंड पीछे से जो इसका टेल गेट है वो थोड़ा सा पीछे से ऊंचा किया गया हो, वैसा कुछ इसको लुक है वो बनाया गया है। बाकी वो लुक्स में काफ़ी बढ़िया लग रही है, और काफ़ी साइज़ में भी बड़ी है। सो बात कर दे, किया इस कार को कब तक लॉन्च करेगा इंडिया में। सो 2022 है, यानी कि इस साल के मिड में या फिर एंड में हमें इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो अभी ये टेस्टिंग मोड में है, तो कुछ महीने आप गिन के चलो, कुछ महीने बाद हमें इसका लॉन्च है वो देखने को मिल सकता है इंडिया में। और जब इंडिया ने अपनी कारेंस को रिवील किया था, और उससे पहले जब सेल्टोस के एंड सोनेट का भी जब कुछ इवेंट हुआ था, तभी बताया था कि इंडिया जो किया है उसको इंडिया को लेकर ये सोचना है कि इंडिया में वो अपनी एसयूवी कार को लाएंगे, मतलब कि एसयूवी कार पर ही उनका फोकस है इंडिया में मार्केट में। बाकी हमें सेडान कार या फिर हैचबैक कार हमें देखने को नहीं मिलेगी हुंडई की तरह, क्योंकि किया के पास वो कार्स है ऑलरेडी। आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में, कोरिया में आप देखोगे तो हमें किया की सेडान कार देखने को मिलती है, उसकी हैचबैक कार भी देखने को मिलती है, जो कि हुंडई वर्ना, एलेंट्रा, i20 उसी वही प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, तो मतलब कि वो भी काफ़ी अच्छी है। बट इंडिया में किया का फोकस है पूरी तरीके से एसयूवीज पर है, तो ये इलेक्ट्रिक एसयूवी हमें कन्फर्म देखने को मिलेगी, बट अभी एग्जैक्ट कोई डेट हम नहीं कह सकते। बाकी इसको लेकर अगर हम और बात करें तो इसके अंदर जो बैटरी पैक हमें देखने को मिलते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल मार्केट में जो चल रही है उसको लेकर, क्योंकि इंडिया में कौन से बैटरी पैक के साथ आएगा और कितनी प्राइस में आएगा वो भी कह नहीं सकते। हाँ, प्राइस से आपको बता दूँ कि ये जो मॉडल हमें देखने को मिला है टेस्टिंग के दौरान, वो बेसिकली इम्पोर्ट किया गया है बाहर से, मतलब कि ग्लोबल कंट्री से, कोरिया से हम कह सकते हैं, तो ये मॉडल है वो इम्पोर्ट किया गया है। और अगर ये और किया यही चीज़ कंटिन्यू रखता है, यानी कि जब ये लॉन्च करेगा तब ये अगर इम्पोर्ट करके इसको इंडिया में बेचेगा तो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं CBU रूट। तो अगर किया है वो बेसिकली इम्पोर्ट करके अपनी कार को इंडिया में बेचेगा तो इसकी प्राइस हमें ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो प्राइस कितनी होगी, तो इसकी प्राइस हमें समवेयर अराउंड 60 लाख रुपये के अराउंड देखने को मिल सकती है। बाकी इस कार को लेकर बात कर दे तो इसके अंदर बेसिकली हमें दो बैटरी साइज़ है वो, मतलब कि बैटरी पैक है वो देखने को मिल जाते हैं, 58 किलोवाट आवर का एंड 77.4 किलोवाट आवर के दो बैटरी साइज़ देखने को, मतलब कि बैटरी पैक है वो देखने को मिल जाते हैं। एक में ऑब्वियसली लंबी रेंज होगी, एक में छोटी होगी, और इसी के साथ इसमें हमें रियर व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, मतलब कि डिफरेंट वेरियंट्स में ये कार है वो अवेलेबल हमें देखने को मिलती है। साथ ही इसमें 800 वोल्ट का जो चार्जिंग सेटअप आता है, फास्ट चार्जिंग जिसे हम कह सकते हैं, तो वो भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस ईवी 6 के रेंज की, तो इसकी जो रेंज है वो उसके जो छोटी बैटरी पैक, यानी कि 58 किलोवाट आवर की जो बैटरी है, उसके साथ कुछ 373 किलोमीटर का कुछ रेंज वो प्रोवाइड करता है, और 77 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसके साथ कुछ 500 किलोमीटर के अराउंड का रेंज हमें देखने को मिल जाता है रियर व्हील ड्राइव के साथ, और इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। और ये सारी जो टेस्टिंग है वो USA के जो मतलब की एजेंसी होती है वहाँ पर टेस्ट किया गया है, और इंडिया में कौन से बैटरी पैक के साथ आएगी या फिर यही सेम बैटरी पैक के साथ भी आ सकती है तो अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसकी बैटरी एंड इसके टॉर्क एंड मतलब की परफॉर्मेंस कैसी होगी वो भी बाद में ही पता चलेगा। और बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स शायद हमें सेम देखने को मिल सकते हैं। सो ईवी 6 में कैसे हमें फीचर्स देखने को मिले, सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ही बनाई गई, अच्छी मतलब कि स्पॉटी बनाई गई है, उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी लगती है। और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया, मतलब कि एक फ्यूचरिस्टिक हमें लुक है वो देखने को मिल रहा है।
सो ईवी सिक्स में हम फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें 12 इंच की दो डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक ड्राइवर डिस्प्ले एंड दूसरी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ क्लाइमेट कंट्रोल की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो पैनल है वो देखने को मिल रही है। और इसके इंटीरियर में कुछ हम और देखें तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है। टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है वो दिया गया है जिसमें सेंटर में किया का लोगो है। बाकी इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड जो टच स्क्रीन सिस्टम है उसको हमें सिंगल पैनल में देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि बढ़िया लुक है वो देखने को मिल रहा है। बाकी इसका सेंटर कंसोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा टैकी बनाया गया, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ही फीचर है वो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी इसकी अपहोल्स्ट्री आप थोड़ी बहुत देख सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना कि इसका जो ऑल ओवर लुक हमें को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी भाई इसके अंदर एग्जैक्ट हमें कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे वो भी तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट भाई जो ग्लोबल मार्केट में एक कार में जो फीचर है वो ऑफर किए जाते हैं वही हम फीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग हो गया, एयर प्योरीफायर हो गया, वो सारी चीज़ें तो हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ डिटेल के बारे में आपको कन्फर्म कहूँगा नहीं, फिलहाल आप इतना जान लो कि ये कार हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। अगर इसको इंडिया में किया मैन्युफैक्चर करता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें थोड़ी सी सस्ती प्राइस में देखने को मिलेगी, और अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली तो प्राइस तो हाई होने ही वाली है। तो फिलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन वो हमारे सामने आई है, और इसको लेकर अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ड्राइव सेफली।